अगर आपको एक गुड ड्राफ्टमैन बनना है या गुड कंटेंट राइटर बनना है तो आपके पास 5 क्वालिटी होनी चाहिए, या इस बात को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, आपको 5 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल आपकी बेटर से बेस्ट बन जाएगी। आज की वीडियो में हम इसी 5 रूल्स को स्टडी करेंगे। हे एवरीवन, दिस इज गौरव, वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। जो मैं 5 रूल्स की बात कर रहा हूँ, ये दिए किसने हैं? ये फॉलोअर ने दिए हैं। फॉलोअर का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि डायरेक्ट, यानी जो भी बात आपने कहनी है या लिखनी है, राइट करनी है, तो वो आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर की बातें मारो, सीधा टू द पॉइंट बात करो, सिंपल। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो लैंग्वेज यूज करो वो सिंपल होनी चाहिए बट प्रोफेशनली ही होनी चाहिए, ताकि इस ड्राफ्ट को, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने ड्राफ्ट किया है, उसको लेमन इजिली अंडरस्टैंड कर सके। थर्ड रूल है, ब्रीफ होनी चाहिए। कोई बात है जिसको, या कोई आपको ड्राफ्ट है जिसको आप 2 पेज में सम अप कर सकते हो या फिर 1 पेज में सम अप कर सकते हो, उसको 1 पेज तक ही सम अप कर दो। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा चढ़ा के उसको 4 to 5 pages में लेके जा रहे हो, ऐसा काम नहीं करना। फोर्थ, जो ड्राफ्टमैन है उसको एनर्जेटिक होना चाहिए। फिफ्थ है डिसाइड, यानी विदाउट कन्फ्यूजन। आपने जो लैंग्वेज यूज करी या आपने जो भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है, ऐसा नहीं है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करे। हर चीज़ स्पेसिफिकली बतानी होगी आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे कोई पेनल्टी आ गई, बताओ कितनी पेनल्टी लगी, इम्प्रिजमेंट है, कितनी सजा होगी उसको, एग्रीमेंट अगर ब्रीच हो रहा है तो किस केसेस में ब्रीच होगा, और उसके उसकी वजह से जो जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो कौन सी पार्टी को बियर करने पड़ेंगे, ये सारी बातें आप बताओगे। जो हमने 5 रूल्स पढ़े फॉलोअर के, कि टू बी डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, विगरस होना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए, ये हमने पढ़े। इसी को सिंपल ट्रांसलेट करके ही आगे लिखा गया है कि प्रेफर आप करोगे फैमिली वर्ड रादर देन द फारफेच वर्ड। फैमिली वर्ड कौन से होते हैं? फैमिली वर्ड वो वर्ड होता है जिसको 99% लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल कि एनर्जेटिक वर्ड है, एजाइल का मतलब भी एनर्जेटिक होता है और उसका मतलब विग्रस का मतलब भी। अब सबको पता है कि एनर्जेटिक वर्ड हर कोई जानता है, बट एजाइल और विग्रस बहुत कम लोग जानते होंगे। इसलिए आपको ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे जो कॉमन है, हर कोई जिसका मीनिंग जानता है। फिर है प्रेफर कॉन्क्रीट वर्ड रादर देन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, यानी हर चीज आपको स्पेसिफिकली बतानी पड़ेगी, हर वर्ड आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। इम्प्रिजमेंट कितनी है या फिर सेक्शन कौन सा लग रहा है, आपका लॉ कौन सा लग रहा है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। फिर है प्रेफर सिंगल वर्ड रादर देन सिनोनिम, या फिर मैं सिनोनिम की जगह सर्कमलोकेशन वर्ड भी कह सकता हूँ। यानी आपको ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ना आप कोई ब्यूटीफुल वर्ड लिखना है, कोई ब्यूटीफुल लिखना है तो ब्यूटीफुल लिख दिया आपने, फिर थोड़े आगे गए तो दोबारा रिपीट करना हो तो आपने प्रीटी लिख कर दिया, फिर आगे गए प्रीटी की जगह फिर अब आपने लुकिंग अट्रैक्ट। ये नहीं सिनोनिम से यूज़ नहीं करना, ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करें तो ब्यूटीफुल लिखते जाओ, ठीक है। फिर प्रेफर शॉर्ट वर्ड रादर देन द लॉन्ग वर्ड, इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट वर्ड यूज़ करना है रादर देन द लॉन्ग वर्ड, लॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करने। अब एग्जाम्पल से समझते, अगर कोई पर्सन है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, अब ऐसे लिखूंगा पर्सन हु डज नॉट बिलीव अ गॉड, एक तो ऐसे लिखो, अब सीधा अथिस्ट है ये, फिर मैंने कह दिया नास्तिक है, वो ठीक है शॉर्ट वर्ड ठीक है या इतना लॉन्ग वर्ड ठीक है, तो आपको शॉर्ट वर्ड रेफर करना है। फिर कहते हैं प्रेफर सेक्शन रादर देन द रोमन, आपको सेक्शन वर्ड फॉलो करना है रादर देन द रोमन, रोमन को नहीं। अब सेक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जो हमारी काउंटिंग जनरल काउंटिंग 1, 2, 3, ये जो जनरल काउंटिंग होती है ये होती है हमारे सेक्शन वर्ड। और रोमन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, जैसे फिफ्थ लिखा होता है, सिक्स लिखा होता है, ये वाले यूज नहीं करने आपने। फिर उसके बाद आता है प्रेफर एक्टिव वॉइस रादर देन पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस यूज करना है ना कि पैसिव वॉइस यूज करना है अपनी सेंटेंस के अंदर। होप यू लाइक माई वीडियो, वी मीट अनदर अमेजिंग वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।